दोस्तों, आज का ब्लॉग है वेलकम टू जोधपुर प्रिंस। तो प्रिंस स्पेशल के बाद में ये वेलकम कैसे किया हमने, ये आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस, आई एम रीता शर्मा, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू ब्लॉग्स। टॉक टू माय थी दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल एक गेस्ट आने वाले हैं यहाँ पे। ये भी स्पेशल है, ये गिरधारी जी हैं, एज एन आर्टिस्ट राजस्थानी सिनेमा में काम करते हैं और बॉलीवुड गानों में भी बहुत जगह काम किया इन्होंने। तो आज आप गेस्ट करना कि कौन आने वाला है, बने रहिए मेरे चैनल के साथ और ऐसे ही हंसी मजाक करते रहेंगे जब तक हम, मैं गिरधारी जी से बातें कर, हम नहाने जाएंगे। और एक बात बताता हूँ, हाँ। आप सब हमारा चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हाँ। कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, बटन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू। तो नहा धो के वापस मिलते हैं आपसे, है ना। ओके दोस्तों, नहाने धोने के बाद में थोड़ी हंसी मजाक कर ली हमने, गिरधारी जी ने लिप बाम मांगी, मैंने सरदर्द की दवा दे दी और उन्होंने लगा भी ली होठों पे। और यहाँ पे देखिए ये लोग कब से 12:30 बजे से 7:30 बज गए शाम के और वहाँ प्रिंस का इंतजार कर रहे हैं, थाली तैयार हो रही है। और इधर रीटा दी मुझसे थाली तैयार करवा रही है प्रिंस के लिए, उसको आते ही वो जो तिलक विलक वो सब करेंगे, इसके लिए मैं सब पहले से ही बंदोबस्त कर रहा हूँ। आके भाई साहब आते ही उनको ये नहीं लगे कि हाँ मेरे लिए कुछ था नहीं, तो सब चावल वावल सब ढूंढ ढूंढ के मैंने यहाँ पर लगाए हैं सब। उस तो देखिए कैसी भागा दौड़ी हो रही है प्रिंस के लिए, बाप रे बाप। तो दोस्तों इतनी एक्साइटमेंट है सब में, लगता है प्रिंस आ गया है। तो चलिए आपको प्रिंस को दिखाते हैं आपको। तो हमारे प्रिंस भाई जोधपुर आ चुके हैं, इनकी पूजा वो जो तिलक वो सब करेंगे दीदी, तब तक के लिए आप देखते रहिए। मैं जोधपुर आ गए, बहुत लेट आए हैं। ये आईफोन दे दो थाली में, थाली में नॉट रिटर्न। तो दोस्तों हिंदुस्तान के साहित्य संगीतकार का आगमन हो चुका है जोधपुर में, बाकी का सारा जो डिटेल है वो दीदी देंगी आपको। तो संगीतकार के जय घोष के साथ साथ उनका स्वागत भी करते हुए हमारे बड़े भाई साहब। बात ज्यादा मत हिलाना, ऐसा नहीं कि इसके मुंह से पानी निकलने लगे। जोधपुर आ गए हैं और हमारे इंस्टाग्राम पे राजस्थानी सारे भजनों को बहुत अच्छे से गाते हैं। प्रिंस भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप जोधपुर बना रहे हैं उसके लिए। ओके तो मालार्पण द्वारा स्वागत भा द्वारा। ओके ओके बड़ा करने अमन नहीं आ रहे।
दोस्तों सभी फैंस ने यहाँ इनके साथ में एक एक फ़ोटो लिए, वीडियो बनाए, कई सारों ने रील बनाई है और बहुत जनों ने लाइव में भी बताया कि हमारे प्रिंस जो है जोधपुर में आ चुके हैं। और तो बहुत सारे फ़ैन ऐसे जो दूर दूर दराज गांव से भी आए हैं जो कि मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे इनसे। तो चलिए आपको बताते रहेंगे आगे। तो दोस्तों ये तो सिर्फ प्रिंस के वेलकम का वीडियो है, अभी तक दो दिन उन्होंने क्या किया प्रिंस ने यहाँ जोधपुर में वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्लॉग है मेरा है। तो मैं इतने कम समय में मैं आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं बता सकता, पर हाँ आपको बहुत ही ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको देख के आपका मन गदगद हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को छोड़ के मत जाइए, इसको सब्सक्राइब कर ले अगले वीडियो के लिए, क्योंकि अगले वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ अभी जाइएगा मत, अभी वीडियो बहुत बचा हुआ है, देखते रहिएगा। टॉक टू माय दी गजब बेइज्जती है। आओ पास आओ दादा। हाँ पूछिए, क्या पूछेंगे? तो हम दोनों बातें कर रहे हैं, आपको जलन हो रही है बहुत ज्यादा, देख रहे हो आप हमको, आप इधर से जाओ। नहीं चले बैठ के बातें करेंगे। ओके ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ। ओहो भैया जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लड्डू फूटा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।